बड़ी खबर का रुख करेंगे तो डॉक्टर किरणलाल मीणा का शिक्षा मंत्री को पत्र। पत्र भेजकर 40 प्रधानाचार्य के ट्रांसफर निरस्त या स्थगित करने की मांग की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री को पत्र की चर्चा है क्योंकि पत्र भेजकर प्रधानाचार्य के ट्रांसफर जिसे निरस्त किया जाए या तो शिक्षा मंत्री के द्वारा या फिर इसे स्थगित किया जाए, ये मांग कर रहे हैं डॉक्टर किरणलाल मीणा। और ये मांग उन्होंने पत्र भेजकर की है। 40 प्रधानाचार्य जिनके ट्रांसफर को निरस्त या स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी आपको दे दें कि ये मांग की जा रही है डॉक्टर किरणलाल मीणा के द्वारा और अब इसी वजह से उन्होंने शिक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा है। काफी चर्चा भी थी ट्रांसफर को लेकर के। और अब जानकारी आपको दे दें, शिक्षा विभाग के तबादलों के आदेश निरस्त किए गए हैं। बड़ी जानकारी देखिएगा, शिक्षा विभाग के तबादलों के आदेश को निरस्त किया गया। इससे पहले एक चर्चा पत्र की हो रही थी लेकिन अब तबादलों को लेकर फैसला ले लिया है शिक्षा विभाग ने। तबादलों के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। तबादलों के आदेश जारी होने के बाद चर्चा भी काफी हो रही थी और इनको लेकर के मंशा भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कहीं ना कहीं कि आखिरकार क्या फैसला शिक्षा विभाग इसके बाद लेगा। जब जो तबादले किए गए थे उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, इसके पश्चात अब आदेश को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी शिक्षा महकमे से आ रही है क्योंकि जब तबादले किए गए थे तो कहीं ना कहीं तबादलों को लेकर के सवाल उठे थे और अब ऐसी भूमिका भी बनी थी कि भविष्य में फैसला लिया जा सकता है तबादलों को निरस्त करने का, इस आदेश को या फिर स्थगित करने का। और इससे जुड़ा एक पत्र भी अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे इसी खबर से पूर्व, इसी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है क्योंकि पहले पत्र दिया गया और जो मांग की गई थी कहीं ना कहीं अब उस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। और प्रधानाचार्य के तबादले जो किए गए थे, 40 नाम बताए जा रहे थे और ये फैसला लिया गया है। अब शिक्षा महकमे ने बड़ा फैसला ले लिया है। पहले शिक्षा मंत्री को लिखे पत्र की चर्चा थी और अब चर्चा तबादलों के आदेश को निरस्त करने की। और सबसे पहले ये वो आदेश जो आया है निरस्ती से जुड़ा हुआ, वो फर्स्ट इंडिया ने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा दिया एक्सक्लूसिवली। ये जानकारी माध्यमिक शिक्षा राजस्थान कार्यालय निदेशक की ओर से जारी ये आदेश निरस्त से जुड़ा ये फैसला जो आपको दिखा रहे हैं लगातार एक्सक्लूसिवली। कार्यालय के आदेश क्रमांक को लेकर के जानकारी दिनांक 15/10/2024 यानी आज द्वारा जारी किए गए 3 स्थानांतरण आदेशों का तत्काल प्रभाव से प्रत्यारित किया जाता है। उक्त आदेशों की पालना में किसी भी शिक्षक कार्मिक को नवीन प्रतिस्थापन हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जाए। और अब जानकारी ये भी दे दी गई है कि क्योंकि तबादले के आदेश पहले जारी हुए थे तो ऐसे में माना जा रहा था कि जब तबादलों के आदेश आए हैं तो फिर कार्यमुक्त भी किया जाएगा। और इसमें साफ किया गया जो आदेश अब आए हैं निरस्ती से जुड़े कि कार्यमुक्त नहीं किया जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी शिक्षक कार्मिक को नवीन पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त किया जा चुका है तो आदेश की पालना में संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा ऐसे स्थानांतरित शिक्षकों कार्मिकों को पूर्व पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे साथ बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जानकारी दीजिएगा, चर्चा हो रही है क्योंकि आदेश निरस्ती के आ गए हैं लेकिन पूरी टाइमलाइन आप लक्ष्मण समझा दीजिएगा एक्सक्लूसिवली जो आदेश आए। जो आदेश निकाले गए थे इस तरह से तब के बाद इस आदेश साफ तौर पर ये बता रहा है कि इसका विभाग टूटा है। समझिएगा, मुझे लगता है जिस तरह की भी है ये जोड़ा गया था कि बाय इलेक्शन के चलते ऐसा किया गया है लेकिन इस बात को समझना होगा कि एक बार ऐसा हो जा, अब समझिएगा पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तृतीय श्रेणी जो अध्यापक है उनकी बहुत बड़ी तादाद है और ये बहुत दमदार से चिंता बना हुआ है इन शिक्षकों को तबादले हो तो ऐसे में मुझे लगता है इनको लगा कि जिस तरह से ऑर्डर जल्दबाजी में किया गया उसके बाद शायद समझ में आया होगा
कि भैया इस तरह से नहीं होना चाहिए था, और एक कहते भी है ना कि दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है, तो शायद वही चीजें हुई हैं। और हम लगातार इस बात को कह भी रहे थे क्योंकि तृतीय श्रेणी तबादलों को लेकर शिक्षा मंत्री भी लगातार ये तो कहते थे कि हम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी इस बात को लेकर बहुत गंभीर थे, उन्होंने बहुत सारी कवायद भी करवाई थी उसमें, चाहे बात कर लें शिक्षा सचिव की, शिक्षा निदेशक की, तमाम लोग शामिल कि किस तरह है। ऐसे में इस बीच में ये सब कुछ होना, मुझे लगता है पर फिर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव, सरकार के सीधे दिशा निर्देशों का अभाव, उसी के चलते ऐसा हुआ है कि एक बार यू हुआ है। बाकायदा आदेश आप दिखा पा रहे होंगे, शिखा उस पर स्क्रीन पर लिखा गया है कि अगर हो भी गया है वहीं पर रहेंगे। स्वाभाविक तौर पर ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नहीं हुई है इस मामले में, और इस तरह की चीजों में बचना चाहिए था। बिल्कुल लक्ष्मण, जैसा कि लक्ष्मण जानकारी दे रहे हैं, यू टर्न इस पूरे मामले में लिया गया, तत्काल प्रभाव से विभाग ने आदेशों को रद्द किया है और जो आदेश में लिखा है वो भी यही स्पष्ट करता है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और देखिए, शिक्षा विभाग ने तबादलों के आदेश जारी किए हैं, तत्काल प्रभाव से विभाग ने रद्द किए हैं आदेश। और जैसा कि हम भी आपको पहले जानकारी दे रहे थे, काफी सवाल भी खड़े हो रहे थे, बहुत तरह की बातें हो रही थी जब तबादलों से जुड़ा फैसला लिया गया था, और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा यू टर्न इसे माना जाएगा। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा जुड़ गई है। डिंपल, जानकारी दीजिएगा, पहले आदेश लिए गए फिर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया, जो आदेश निरस्ती का जारी हुआ है अगर इस पर गौर डाले डिंपल तो क्या इंगित करता है, आखिर क्यों ये फैसला लेना पड़ा शिक्षा महकमे को? देखिए बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से आज 3 तबादला सूची एकाएक जारी की गई, सबसे पहले प्रधानाचार्य, जिसमें 40 प्रधानाचार्यों के तबादले किए गए थे, जिनमें से कुछ यानी कि 39 जो प्रधानाचार्य थे वो दौसा के अंदर के ही थे और बाकी डूंगरपुर के थे, उदयपुर के थे, तो ये कह सकते हैं। उसके बाद 5 व्याख्याताओं के तबादले, और उसके बाद थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले, जो कि थर्ड ग्रेड टीचर्स की बात करें 90,000 के लगभग थर्ड ग्रेड टीचर्स है जो इंतजार कर रहे हैं, तबादलों की राह देख रहे हैं, और उनके इतर एक तरीके से आज जो तबादले किए गए थर्ड ग्रेड के, वो वाकई शिक्षकों में रोष पैदा करने वाली बात थी, क्योंकि जब तबादलों पर बैन है और थर्ड ग्रेड की तो तबादला पॉलिसी तक अब तक बनकर नहीं आई है, तो ऐसे में आखिर शिक्षा विभाग इनके तबादले कैसे कर सकता है। लगातार फर्स्ट इंडिया ने भी ये खबर सबसे पहले चलाई थी कि आखिर 40 प्रधानाचार्यों के तबादले कैसे किए गए, इसको उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा था, और ये भी कहा जा रहा था क्योंकि आज आचार संहिता लग सकती है और आचार संहिता से पहले भागदौड़ में शिक्षा विभाग को ये तबादले करने पड़े ताकि शिक्षकों में जो वहां की नाराजगी उसको दूर किया जाए और शिक्षकों को वोटर्स को लुभाने की एक तरीके से जो प्रयास था उससे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही एक के बाद एक जब ये तबादला सूची जारी हुई, उसके बाद फर्स्ट इंडिया पे खबर ब्रेक हुई, और अब जब तबादलों के निरस्त होने के ऑर्डर आए हैं, शिक्षा विभाग से जारी हुए हैं आदेश, और अब इन आदेशों को निरस्त कर दिया गया है, जो भी 3 जो सूचियां जारी हुई थी, अलग अलग प्रधानाचार्य भी जिसमें थे, व्याख्याता जिसमें थे और थर्ड ग्रेड टीचर जिसमें थे, ऐसे में कुछ ऐसे थे जो 39 प्रिंसिपल थे वो दौसा के थे, कुछ प्रिंसिपल को दौसा से बाड़मेर और जैसलमेर भी लगाया गया, तो कुछ का तबादला अन्य जिलों से दौसा में किया गया। वही महात्मा गांधी स्कूल हो, झुंझुनू से एक लेक्चरर है उसका ट्रांसफर किया गया डूंगरपुर, और 2 टीचर्स है जिनके अलग अलग आदेश जारी किए गए। तो ऐसे में जो लगातार ये तबादलों की सूची जारी हुई, इससे हड़कंप मचा शिक्षकों में भी, क्योंकि शिक्षक जो राह देख रहे हैं तबादलों की दिन ब दिन, उनको अगर ये देखने को मिलता है कि बाकी जगहों पे तबादले हो रहे हैं और जो वाकई राह देख रहे हैं उनके तबादले नहीं किए जा रहे, तो वाकई टीचर्स के लिए आने वाले दिनों के लिए बहुत मुश्किल भी खड़ी हो जाती है। और शिक्षा विभाग ने ये जो आदेश निरस्त किए हैं, क्योंकि एक तरीके से सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड करने लगा, और जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी लिस्ट हुई है उसके अंदर झेलमपुरा है, रामपुरा है, नाताखेत है, ऐसे कुछ एक जगह है, राठौड़ों का घुड़ा है, ऐसे जगह है जिनमें ट्रांसफर में जिलों का उल्लेख नहीं किया गया, जो वहाँ की छोटे क्षेत्र है उनका उल्लेख किया गया। ऐसे में आमतौर पर जो ग्रेड थर्ड के जो ट्रांसफर है वो जिला शिक्षा अधिकारी करते हैं, लेकिन जो ये तबादले हैं वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने किए थे, तो ये भी बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरी आ गई कि एकाएक ये तबादले करने पड़े शिक्षा विभाग को। और जब इन पर एक तरीके से मांग उठने लगी, सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्रेंड करने लगा, तब ये आदेश निरस्त भी कर दिए गए। लगातार सूचियां आ रही थी जिससे वाकई लगातार चारों तरफ से फोन आए शिक्षकों के भी, लेकिन अब जो शिक्षक है उनमें खासा रोष है कि आखिर ये तबादले क्यों किए गए, क्या वजह रही होगी इनके पीछे। और देखिए आज क्योंकि आचार संहिता लगने की बात कही जा रही है, क्योंकि प्रदेश के जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं
उनमें उपचुनाव के लिए भी कहा जा रहा था कि मंगलवार को आचार संहिता लगने की उम्मीद है। तो ऐसे में हो सकता है कि हड़बड़ाहट पे जो शिक्षा विभाग ने इसी के मद्देनजर चुनावों के मद्देनजर ये ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई हो, जिसके आधार पर अब फटाफट ज्वाइन करवाने की। और उसमें साफ साफ ये भी लिखा जा रहा है कि इन्हें 2:30 बजे से पहले, यानी कि अब जो आदेश निरस्त कर गए हैं उनमें पहले लिखा हुआ था इस पर सबसे पहले इनको ज्वाइनिंग करवाने का प्रयास किया जाए जल्दी से जल्दी 2:30 बजे से पहले। हालांकि अभी आदेश निरस्त हो गए हैं और ऐसे में जो अब 90,000 टीचर्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं प्रदेश भर के और जो थर्ड ग्रेड के, उनको अब आस है कि अब ये जो तबादला सूची है या तो तबादलों से बैन हटे और जितने भी टीचर्स हैं Level 1 है, Level 2 और खास तौर पे थर्ड ग्रेड शिक्षक जो कि पिछली सरकार से भी पहले से इंतजार कर रहे हैं तबादलों का, अब उनको तबादलों की सौगात जो शिक्षा विभाग है वो देने का कष्ट करे, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव से पहले से भी ये उनसे वादे किए गए थे कि वो तबादले होंगे। अब तबादला पॉलिसी नहीं, अगर 8 शिक्षकों के तबादले हो रहे हैं तो ऐसे में क्यों ना पूरे जो पूरा एक तरीके से थर्ड ग्रेड का जो पूरा ग्रुप है, जो थर्ड ग्रेड शिक्षकों का पूरा ग्रुप है, उनके तबादले यहाँ पर किए जाए। शिखा बिल्कुल टिम्पल, आप ठीक कह रही हैं, पहले जल्दबाजी और फिर उसके बाद हड़बड़ाहट, और अब कहीं ना कहीं ये फिर जो फैसला लिया इसे शिक्षा विभाग की सफाई भी कह सकते हैं। डिम्पल अब अभी आप बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि प्रधानाचार्यों के तबादलों को लेकर लगातार सवाल हो रहे थे। डिम्पल, अगर एक महीने से पूर्व की स्थिति को भी अगर देखा जाए तो किस तरह से पहले भी जानकारी दे रहे थे कि आखिरकार तबादलों को लेकर के नीति पर बात हो रही थी, तबादलों को लेकर ये बात भी हो रही थी कि आखिरकार नीति से जुड़ा फैसला कब हो सकता है, और फिर ये जानकारी इस सामने आई कि शिक्षा विभाग ने तबादलों से जुड़े आदेश जारी किए। डिम्पल आप